मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित को साइबर अपराध के जरिए धमकी देके वसूली की मांग करने वाले अंतर्राज्यीय सरगना को गढ़ी मलहरा पुलिस और साइबर सेल ने राजस्थान से धर दबोची है और ये पूरे मामले को इतना बड़ा खुलासा भाव है जी को सुन के आप हैरान रह जाए हो। जो ग्रोह अभी तक 21 लोगों को धमकी देके 14,22,000 रुपया वसूल चुके। तो दरअसल हाल में ही नीरज दीक्षित जो महाराजपुर के विधायक हैं, उन्हें एक शिकायत दर्ज कराई थी कि कोनू अज्ञात महिला द्वारा अश्लील वीडियो कॉल करके उनको ब्लैकमेल करे जा रहा हो और इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी और तमाम तरीके की जानकारियां हासिल करके पुलिस ने राजस्थान से आदिल नाम के व्यक्ति को हिरासत में लो है। मात्र 19 साल की उम्र है ये लड़का की और जो राजस्थान के भरतपुर जिला को निवासी है और जब इसे पूरी पूछताछ करी गई तो बड़े सनसनीखेज जो हैरान करने वाले खुलासे भए। दरअसल आरोपी अपने पास 3 मोबाइल रखत तो और इन मोबाइल में वो अश्लील वीडियो रखत तो इसके बाद फरियादी को ब्लैकमेल करत तो जो वीडियो कॉल करके। दरअसल आरोपी कई सारे मोबाइल रखत तो इन मोबाइल में अश्लील वीडियो होते और फेसबुक से लोगन की जानकारी एकत्र करत तो फेसबुक से नंबर लेके लोगन को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके अपने पास रखे एक रिकॉर्डेड अश्लील वीडियो के द्वारा लड़की बन के स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते और इसके बाद फिर वीडियो वायरल करने की धमकी दे के लोगन से पैसा की वसूली करते हो। आरोपी ने बताओ कि जो पूरो काम उखो गांव के ही रमजान नाम के व्यक्ति ने सिखाओ है और पूरे गिरोह की तरह ये लोग काम कर रहे। अबे तक इन लोगन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई, हरियाणा समेत कई जगह से कुल 14,22,000 रुपया ब्लैकमेल करके वसूले हैं। 22 तारीख को गढ़ी मलहरा विधायक जी द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि किसी अनजान नंबर से एक व्यक्ति महिला द्वारा उनके निजी नंबर पर वीडियो कॉल किया गया और वो महिला अश्लील हरकतें करने लगी और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके विधायक जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था और पैसों की मांग की जा रही थी। उनकी शिकायत के बाद गढ़ी मलहरा थाने में FIR दर्ज की गई जिसके लिए SP महोदय ने एक विशेष टीम बनाई और साइबर पुलिस के द्वारा हमने जब पता लगाया तो ये नंबर जिससे ब्लैकमेल किया जा रहा था राजस्थान के निकले, टीम वहाँ पर भेजी गई और उनके द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया है। किस तरह से ये दोनों फंसे थे? इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो इसने एक गिरोह जैसे काम करते थे, अलग अलग व्यक्तियों को फ़ोन लगाते थे और इसी माध्यम से लोगों से ब्लैकमेल करके पैसा वसूल करते थे। प्रारंभिक पूछताछ में इसने लगभग 21 लोगों से 14 लाख रुपये की वसूली करना कबूल किया है। अभी अन्य पूछताछ भी जारी है, ये कहाँ से सिम लाता था, इन सब बिंदुओं पर जाँच चल रही है। तो क्या सर इस पूरे वीडियो में लड़कियां भी शामिल हैं? नहीं, इस वीडियो में लड़कियां शामिल नहीं हैं। ये जो वीडियो चलाता था अश्लील वीडियो, वो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो होते थे जिनके सामने मोबाइल को कर देता था वीडियो कॉल में और आवाज़ खुद निकालता था लड़कियों की। छतरपुर जिला की पुलिस की जब बड़ी कामयाबी है काय के साइबर अपराध जी तरीके से गठित हो रहे, उसको लेके पुलिस को न केवल सख्त हो वो जरूरी है और बेहद समझदारी के संग इस तरीके के गिरोह तक पहुँचने की जरूरत है। छतरपुर से संतोष सेन, बुंदेली, बोछार के लाने।